सोच रहे होंगे कि हम रात में हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन में क्या कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि हम निकल रहे हैं अपने अगले रोमांचक सफर पर। और बहुत जल्द हम इस रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे कि इस वीडियो में हम आपको कहाँ ले जाने वाले हैं। सुबह 6 बजे करीब हम दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। आप देख ही सकते हैं एयरपोर्ट कितना बड़ा है। तो चलिए, आपकी उत्सुकता को ज्यादा ना बढ़ाते हुए हम बता ही देते हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे गोवा, अ ग्रेट बीच डेस्टिनेशन ट्रिप पर। हमारी गोवा ट्रिप भी आप 2 भागों में देखेंगे। तो चलिए पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं और ये चले हम गोवा की तरफ। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्री किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक राज किया और 19 दिसंबर 1961 में इसे भारत सरकार को सौंपा। पहली बार ओशन देखने की जो फीलिंग होती है ना, वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। सच में अद्भुत और अप्रतिम होता है यह एहसास। यहाँ की मार्केट ज़्यादा महंगी तो नहीं है, पर आपकी बार्गेनिंग स्किल ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे होटल 19 बेलो कबाना में मिली हमारी छोटी दोस्त वाइटी। और फिर हम निकले हमारी वाटर एक्टिविटी के लिए मालवन बीच की तरफ, जो कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ शुरू होती है हमारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी।
हम धैर्य नामी और हम नंबर पर्सनल बात है जब आप अपने पैरों को इन छोटी मछलियों के पॉन्ड में डालते हो तो गारा रूफा नाम की ये छोटी बिना दांतों वाली मछलियाँ आपके पैरों की सारी डेड स्किन साफ कर देती हैं। तो लाइफ में एक बार जरूर फिश स्पा लीजिएगा। गोवा में आपको काफी फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है। आप यहाँ रात तक कभी भी आराम से घूम सकते हैं। डिनर के बाद शानदार म्यूजिकल नाइट के क्या ही कहने। तो पार्ट वन यहीं पर होता है खत्म। बने रहिए आप हमारे साथ और जरूर देखिए गोवा जर्नी पार्ट टू। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।